ऑलराइट, तो आज हम मेंटेनेंस के ऊपर जितने भी वुमेन्स के क्वेश्चन है या फिर जो भी विक्टिम है इनसे रिगार्डिंग उनके जो भी क्वेश्चन है मोस्टली वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई हमें किस कोर्ट में जाना चाहिए, यानी कि हमें कहाँ जाना कहाँ चाहिए, यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुँचेंगे. अब आप सोच रहे हो भाई ये क्यों बता रही हो, तो हमें पता है. तो देखो आपको ही तो पता है, लेकिन और भी लोग हैं, और भी विक्टिम हैं, उनको नहीं पता. तो आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे. ओके तो पहला क्वेश्चन है कि विच कोर्ट, हमें कहाँ पर जाना चाहिए, हमें मतलब कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए. तो देखो अगर आप तहसील लेवल पर रहते हो तो आप तहसील में भी जा सकते हो. ओके अगर वहाँ का ज्यूरिडिक्शन अलाउ नहीं करता तो आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट की. ओके अब बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कितना खर्चा आ जाता है इस केस को करने में. तो देखो खर्चा तो डिपेंड करता है वकील टू वकील और स्टेट टू स्टेट, कौन सा स्टेट का कौन सा वकील कैसा है, किसकी उसकी मान्यता है, कितनी उसकी चलती है वगैरह वगैरह. सर फिर भी आप जो नॉर्मल है वो लगा के चलो 10 से 15 हज़ार मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप कितना भी ले लो. ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कितने दिन तक चलता है ये मेंटेनेंस का नाटक. तो देखो मेंटेनेंस का जो नाटक है वो चलता है, जो मिनिमम है वो 6 से 8 महीने तो चलता ही चलता है, और मैक्सिमम साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है. वो डिपेंड करता है कि कोर्ट पे कितना भार है, यानी कि कोर्ट पे कितना बर्डन है, और आपका स्टेट कौन सा है. आर यू गेटिंग? अगर आपका स्टेट यूपी है तो देखो टाइम तो लगेगा, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन कितनी है और केस कितने हैं और जजेस कितने हैं और कोर्ट कितने हैं, वो आप अपने हिसाब से रेशियो देख सकते हो, तो टाइम तो देखो लगेगा. ओके अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे थोड़ा आपको कुछ रिलीफ मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वकील की ज़रूरत पड़ती है या नहीं. देखो वकील की ज़रूरत तो पड़ती है. ओके अब कुछ लोग अपने आप भी करते हैं ये सारा कुछ, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वकील के थ्रू ही करो, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं है प्लान तैयार करने में या रिटर्न स्टेटमेंट बनाने में या वगैरह वगैरह. ओके यहाँ एक लॉ स्टूडेंट को ही 3-4 साल लग जाते हैं ये सब करने में आपको, तो फिर अरे बेटी तो आप किसी एडवोकेट की हेल्प लीजिए. इनकेस अगर आपको कंडीशन है कि भी आप बोलते हो कि हमारे पास एडवोकेट हायर करने के लिए पैसे नहीं है, सफिशियंट पैसे नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि आप फ्री में वकील कैसे अपॉइंट कर सकते हो. ओके इस पर्पस के लिए भी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेंटेनेंस है क्या वो इंक्रीज हो सकता है. तो देखो बिल्कुल हो सकता है मेंटेनेंस इंक्रीज. अब इसके लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है 127 की. जो 127 ये बोलती है अल्टरेशन इन मेंटेनेंस, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो मेंटेनेंस दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है तो वो बढ़ा भी सकती है. वो डिपेंड करता है देखो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर. अब जितना आपको चाहिए थोड़ी है भाई आप 10 से सीधा 50 मांगोगे तो आपको 50 मिल जाएगा. जो रीजनेबल बनेगा वो आपको कोर्ट प्रोवाइड करा देगी. उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि 127 की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हस्बैंड भी हमसे मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं. तो देखो हस्बैंड तब लेगा जब वो अनेबल है, एक तो वो अनेबल है और दूसरा आप अर्न करते हो, तब आप उसको मेंटेनेंस दे सकते हो कोर्ट की नज़रों में, तब यानी कि वो एंटाइटल हकदार होगा. अगर वो कमा रहा है खा रहा है तो कोई क्या दिक्कत है. ओके अब यहाँ दूसरी बात ये आती है कि सपोज हस्बैंड नहीं कमा रहा, ओके और वाइफ भी नहीं कमा रही, तब भी आप लाइबल नहीं होगी आपकी जो वाइफ है वो हस्बैंड को दे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज हस्बैंड बेरोजगार है और वाइफ भी बेरोजगार है, तो वाइफ का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें तब भी मिलेगा नहीं मिलेगा. तो देखो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. ओके हस्बैंड बेरोजगार हो कुछ तो करता होगा ना, यानी कुछ इवन कोर्ट की नज़रों में तो उसको पता है कुछ तो उसका जीवन चर्चर्या चल रहा होगा कैसे ना कैसे, तो वो प्रोवाइड कराएगा. बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो वाइफ है वो अनेबल टू अर्न होनी चाहिए, और अनेबल टू यानी कि जो वाइफ के पास कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर के बाद भी अगर जो पति है वो मेंटेनेंस ना दे तो क्या क्या करना चाहिए. तो देखो इसके लिए हमें एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सिविल केस में. सपोज ऑर्डर आ गया आपके पास, डिग्री भी आ गई, ओके और फिर भी क्या हो रहा है कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आप अपने वकील के थ्रू जाके एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो. एग्जीक्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है उसको कार्यपालिका में लाना, यानी कि उसको अमल करवाना. आर यू गेटिंग? सो जो नेक्स्ट हाई लेवल का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर एग्जीक्यूशन की डेट निकल गई है, यानी कि हम एग्जीक्यूशन की भी डेट निकल गई है तो हमें क्या करना चाहिए. तो देखो आप अपने एडवोकेट से मिलिए, उसको बोलो कि भाई लिमिटेशन एक्ट का फ़ायदा उठा के एग्जीक्यूशन को लगा दे. आर यू गेटिंग? अब ये कैसे करना पड़ेगा, ये आप अपने एडवोकेट से मिलिए और उसको बोलो कि लिमिटेशन एक्ट का फ़ायदा उठा के वो अपने आप कर देगा सेटिंग.
वो आपकी एजुकेशन की एप्लीकेशन लगवा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन किन ग्राउंड पे वाइफ वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, यानी कि ऐसी क्या कंडीशन है जो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो देखो, पहली कंडीशन ये है कि अगर अडल्ट्री, यानी कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल अफेयर है, तब कोर्ट को लगता है कि अगर ऐसा सही है, यानी कि साबित हो जाता है कि भाई आपका अफेयर है, तो मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देगी। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से, यानी हस्बैंड भी राजी है, वाइफ भी राजी है, हस्बैंड अपने घर है, वाइफ अपने घर है, यानी कि दोनों की सहमति है, तब अलग रह रहे हो, तब इसमें कोई भी आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 125 के क्लॉज 5 और 4 में साफ लिखा पड़ा है। ओके, अगर कंसेंट से, हस्बैंड भी अपनी मर्जी से, वाइफ भी अपनी मर्जी से, अपने अपने घर हैं, और फिर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, यानी कि वाइफ के पास कोई वजह नहीं है दूर रहने की, फिर भी वो रह रही है, फिर क्लेम करते हैं, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो ये थे तो कुछ डाउट्स, ये तो हम वो हैं जो हम इन चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि हम आपके सामने बोल सकते हैं। अब कुछ ऐसे आंसर भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं, जिनको ना हम सबके सामने नहीं बोल सकते। ओके, आर यू गेटिंग? अगर हम सबके सामने बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड के फेवर में या अगेंस्ट में चले जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो वाइफ के अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर्सनली इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सारा कुछ दिखता है और सबको पता चलता है। ओके, तो एक इमेज खराब होती है कि भाई ये क्या सोचते हैं, ये कैसे हैं, व्हाटएवर इट इज। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। बाय।